नमस्कार बच्चों, IBPS ने अपना 2023-24 यानी कि अगले साल का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसी में आपके AFO का डेट भी टेंटेटिव बता दिया गया है। बस ये कहने को ही टेंटेटिव है बच्चों, बट जो डेट ये लोग देते हैं उसी दिन एग्ज़ाम करा लेते हैं। इसमें डिले नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में 1 हफ्ते का डिले करेंगे। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया है इसमें। ये जो है आपको IBPS की वेबसाइट पे जाकर के भी आप ये कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल है वहाँ। IBPS की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद भी देख सकते हैं। ओके, इनफैक्ट ये 16 जनवरी को ही अपलोड कर दिया गया था। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो इसमें RRB का कैलेंडर दिया हुआ है, RRB के एग्ज़ाम्स के बारे में, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग AFO का देख लेते हैं। यहाँ पे PSB का दिया हुआ है, PSB में क्लेरिकल का, PO का और स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर में ही हमारा AFO का भी आता है। ओके, साथ में ही होते हैं सारे। तो प्रीलिम्स जो होगा हमारा 30 दिसंबर को होगा और 31 दिसंबर को होगा। दो डेट दिए गए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम एक ही दिन आपका होगा, इन दोनों में किसी भी दिन ये करा सकते हैं। मेंस का एग्ज़ाम कब होगा? मेंस का एग्ज़ाम हमारा 28 जनवरी को होगा। तो आप देख सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कितना डिफरेंस है, 28 डेज का डिफरेंस है। ओके, तो ये टाइम बहुत ही कम है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, प्रीलिम्स आप देंगे, प्रीलिम्स के बाद आप रिजल्ट का वेट करेंगे ही करेंगे। आप तरह तरह से कट ऑफ्स के अनुमान लगाएंगे कि मेरा होगा नहीं होगा, तो उसमें 7 दिन इसमें से भी माइनस कर लो, तो 20 दिन मान लो, 20 दिन ही बचेंगे आपके पास तैयारी करने के लिए। ओके, तो आप लोगों को अभी से एग्रीकल्चर की पढ़ाई चालू कर देनी है। ओके, अब इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? देखिए 30 दिसंबर को अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो आप समझ लो कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, और नोटिफिकेशन के बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको केवल प्रीलिम्स का ही तैयारी करना है, ठीक है। उस टाइम पे टाइम कम होता है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसमें। ओके, कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको तो बाकी बच्चों में से कम्पीट करना है ना, बाकी जो आपके साथ ही आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनसे ज़्यादा नंबर लाने, तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे। तो इतना टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए देना पड़ेगा प्रीलिम्स के। उसके बाद एग्रीकल्चर आप मतलब स्पेशली रोज़ रोज़ एग्रीकल्चर नहीं पढ़ पाएंगे। तो अभी आपके पास अक्टूबर तक का टाइम है, अभी से। अभी तो होली आ रही है, होली के बाद से बच्चों अपना प्लान कर लीजिए। पहले अपने आप को कैलिब्रेट कर लीजिए कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हैं, एक दिन में कितना कितना कवर कर सकते हैं। पूरा मार्च में आप अपने आप को कैलिब्रेट कीजिए और उसके बाद आप अपना एक रूटीन बना लीजिए अप्रैल से अक्टूबर तक का, सितंबर तक का। तो 6 महीने हैं, 6 महीने का रूटीन बना लीजिए कि आपको कब कैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। आगे इसमें प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो ये हमारे अभी किसी काम का नहीं, जब फॉर्म आएगा तब इसको देखना है, ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है कि हम IBPS की वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, तो ऑब्वियसली IBPS की वेबसाइट पे ही अपलोड होता है। एंड द डिस्क्लेमर वगैरह, इससे हमको कोई मतलब नहीं। ये देखिए डेट इन्होंने दे रखा है, 16 जनवरी को ये अपलोड कर दिया था इन्होंने। ओके, तो बस बच्चों अपनी तैयारी में लग जाइए। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो मैं ये प्रीलिम्स का फुल स्ट्रेटजी का वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा, और मेंस वाला तो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया है कि मैं अपलोड करूंगा ही करूंगा। तो अभी जो है पहले प्रीलिम्स का मैं अपलोड कर लूंगा, उसके बाद मेंस का हम लोग अपलोड करेंगे कैसे पढ़ना। इससे आपको थोड़ा बहुत, आपको प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत हेल्प मिलने के चांसेस हैं, तो आप बस लग जाइए प्रिपरेशन में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप रीजनिंग का प्रैक्टिस तो चालू कर दीजिए, ठीक है। बाकी कुछ होगा नहीं होगा, रीजनिंग का प्रैक्टिस तो चालू कर दो, क्योंकि रीजनिंग में कोई सिलेबस नहीं है, कि इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है, कोई रूल्स नहीं पढ़ने। क्वांट में तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के रूल्स होते हैं ना, फ्रैक्शन, LCM कैसे निकालना है, HCM कैसे निकालना है ना, एलजेब्रा के क्वेश्चन, ज्योमेट्री के क्वेश्चन, ये सब आपको थोड़े बहुत फॉर्मूलेज होते हैं जो याद करने पड़ते हैं, बट रीजनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजनिंग तो आपको कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, एज ए हॉबी आप रोज़ आधा घंटा रीजनिंग या 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और एग्रीकल्चर में अगर आपको स्टार्ट करना है अभी से, तो मैं आपको बता दूं, आप अरुण कात्यायन की फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर जो बुक है उसकी Volume 1 खरीद लीजिए। Volume 1 में से एग्रोनॉमी पार्ट और सॉइल साइंस पार्ट, ये दोनों पार्ट को पढ़ लीजिए।
ओके उसको मतलब रिलीजियसली उसको पढ़ लो, क्योंकि उसमें ये मत देखो कि उस कहाँ से क्वेश्चन आता है कहाँ से नहीं आता, छोटा सा पोर्शन है, उसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको पहले ही पता होगी, क्योंकि अभी जो आप एग्ज़ाम देने वाले होंगे आप अभी फोर्थ ईयर के लास्ट सेमेस्टर में होंगे, या तो आप पास कर चुके होंगे, तो आपको उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक कहानी की तरह है, उसको एक बार पढ़ लें। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं प्रीलिम्स की पूरी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, ओके, और उसके बाद मेंस का भी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं फुल स्ट्रेटजी के साथ।